Assalamu alaikum students, how are you all? I hope you all are fine. I am your ma'am Umayya. लास्ट लेक्चर में बच्चे हम लोगों ने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाना सीखे थे. आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, फॉर्मेशन ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और आपका होमवर्क भी जाएगा ऑन नोटबुक्स. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस. अब नेगेटिव क्या होती है? नफ़ी होती है, ठीक है ना. नेगेटिव का मतलब ही होता है नफ़ी, ठीक है. तो इसमें क्या है, ये नहीं वाले फिक्रे होते हैं जिसमें हम कह रहे होते हैं कि कोई काम नहीं हुआ. तो ये बनाने का क्या फार्मूला है? सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. यानी क्या है, इसके अंदर के सब्जेक्ट लगाएंगे प्लस हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगा देंगे प्लस हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है उसके साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं. जैसे सूरज नहीं चमक रहा था, मैंने जैसे पहले बताया आपको, नेगेटिव नहीं होता है, इसमें नफ़ी की जाती है किसी चीज़ की. तो यहाँ भी वो नफ़ी कर रहा है, कहता है सूरज नहीं चमक रहा था, द सन वॉज़ नॉट शाइनिंग. मैं किताब नहीं पढ़ रहा था, आई वॉज़ नॉट रीडिंग बुक. लड़के खेल नहीं रहे थे, द बॉयज़ वर नॉट प्लेइंग. नेक्स्ट है हमारी फॉर्मेशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. जैसा कि पहले मैं आपको बता चुकी हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से हैं? सवालिया फिक्रे, जिनमें हम क्वेश्चनिंग कर रहे होते हैं. तो इसमें हम क्या है, एक तरह की क्वेश्चनिंग कर रहे हैं. तो इसमें क्या होता है, वाज या वर जो है हेल्पिंग वर्ब वो फर्स्ट पे आ जाएंगे, प्लस हमारा सब्जेक्ट आएगा, फिर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, उसमें आईएनजी का इजाफा होता है प्लस ऑब्जेक्ट. अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स क्या होती हैं? एग्जांपल्स में हम पढ़ लेते हैं क्या सूरज चमक रहा था. जैसे मैंने पहले बता दिया कि सवालिया फिक्रे हैं, इसलिए क्या सूरज चमक रहा था, वाज द सन शाइनिंग. क्या मैं किताब पढ़ रहा था, वाज आई रीडिंग बुक. क्या लड़के खेल रहे थे, वर द बॉयज प्लेइंग. क्वेश्चनिंग कर रहा है ना, इसलिए हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पे आ जाएगा. अच्छा, नेक्स्ट अब आपका होमवर्क है. होमवर्क आपने क्या करना है, 5 अफर्मेटिव सेंटेंसेस आपने बना लेने हैं बच्चों, उसके बाद 5 जो है नेगेटिव सेंटेंसेस और 5 इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस. जो आप 5 अफर्मेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे उन्हीं के नेक्स्ट आप उन्हीं में नहीं लगा दीजिएगा, ठीक है ना. नॉट वाले सेंटेंसेस उन्हीं से बना लीजिएगा, फिर जो क्वेश्चनिंग वाले हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो भी उसी से बना लीजिएगा. आई होप डियर स्टूडेंट्स, आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी, लेक्चर भी समझ में आ चुका होगा. अल्लाह हाफिज़.